लीजिए साहब, 27 मार्च 2022 में तैयारी हो चुकी है। थोड़ा सा अंदर विश्राम कर रहे थे, लेबर आ गया, मैं यार चलो तैयारी हो गई। और देखो यार, ड्रम के लिए जाना था, कहना भूल गए। और ड्रम के लिए अब ये आटा जो है, पानी अगर कहीं बरस गया रात में, कोई भरोसा नहीं है, तो इसको जरा इधर ऐसे एक ऊपर एक कर दो, है ना, एक ऊपर एक लाद दो, साइकिल हटाओ, पाइप यहाँ से हटाओ, तो पाइप रखने की जगह नहीं है। ये देखिए, ये उबला हुआ गेहूँ देख रहे हैं, ये देखो 15-16-18 किलो से कम नहीं, इसमें गेहूँ उसमें गेहूँ। तो हमारे यहाँ का सिंगापुरी कमरक हुआ, ये रोटी हुआ और ये चना हो गया, ठीक है। अब सब लाद फांद के रवाना हो रहे हैं। महीन रोटी ये जो पुड़िया आती है सुखो बहू के यहाँ से, ये पेड़ों के ऊपर फेंकते हैं ताकि पेड़ के झुरमुट में रुकता है तो छोटे बच्चे खा लेते हैं, ठीक है। बस यही हमारी ज़िंदगी है, जहाँ ताला वहाँ ताला। अरे यार, पत्ते नहीं उठाए थे क्या वहाँ, भूल गए? पानी लगाया, पानी लगा देते। हाँ, तो मोटर चल रही, पानी लगाया है, नहीं करते पत्ते नहीं। अभी पानी चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। अच्छा, पत्ती वाले जरा एक मिनट काम है ना, वो लौंडे फिर जला देते हैं पट्टी को। हाँ, वो पूरा ढेर लगाए रहे भाई अभी तक, जब कहाँ रहे उसी समय उठा लेना, जाओ जल्दी से उठा लाओ। अब पड़ा रहने दो इसको, पर कोई बरसाती वहाँ है, बड़ी सी बरसाती वही उसी ऊपर रख देना। चलो तो चलिए साहब, अब तैयारी करें, बंदर भोज के लिए रवाना हो। ये नहीं कोई कहता कि बाबा अब थोड़ा आराम कर लिया करो, हम आदमी दे रहे हैं, आदमी से अपनी सेवा करवा लिया करो। नहीं, बाबा जी को तो मीनार से अगर कूदते हो तो बाबा जी को खुला दो, एक से एक मूर्त। देखो सही सच्ची बात बताओ, मैं हैं सच्ची बात है, कोई मन से नहीं काम करना चाहता है, अगर कर रहा है उसके पीछे कोई कहानी है, ये जान जाओ। कोई आदमी मन लगा के नहीं करता है, मन लगा के करने वाले दूसरे होते हैं, अब जो मन लगा के करते हैं भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है, और जो मन लगा के नहीं करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। वो लगेगा कि वो सब कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ सब गमला रखवा दिया, पेड़ सूख रहे हैं, गमला यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको वहाँ रखें। एक जड़ी बूटी लेके आई थी, सूख रहा है यहाँ पड़े पड़े सब, ये देखो पता नहीं वही केतकी लेके आई थी। अरे कोई चीज़ है, एक जगह रखो, पाइप उठाओ, हल हला के पानी डाल दो। हमारी बिटिया का आदेश हुआ, जाओ वहाँ रखाओ जाके, अब रख लेंगे। देखो कोई जड़ी बूटी था शुगर वगैरह के लिए, ये देखो उठा लाए। कोई मन लगा के नहीं, सब नाटक आडंबर, सबको चाहिए, किसी को पेंशन चाहिए, किसी को तनख्वाह चाहिए, तो मर जाओ तब भी हमको चाहिए, यह हमारे समाज की परंपरा है। अब देख रहे हो रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ऐसा कोई अनपढ़ है, लेकिन उनका पाप उनको खा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि दुनिया वालों यही हश्र तुम्हारा भी होगा, किसी न किसी बहाने भगवान जो है तुम्हें लड़वा देंगे, खुदा और भगवान आमने सामने जहाँ है तहाँ झगड़ा शुरू। जब मैं कहता हूँ कि भगवान वाले भगवान भगवान के यहाँ चले जाओ, खुदा वाले खुदा के यहाँ चले जाओ, यहाँ केवल इंसानों को छोड़ दो, तो ये इंसानी दुनिया ऐसे बन जाए, घर घर पेड़ पौधा हर प्राणी के लिए। अब मैं आराम ही कर रहा था, लेकिन अब लेबर भाई उसको तो छुट्टी जाना होता है ना जल्दी, तो हम कहा चलो बेटा। तो ये है, कोई इंसान नहीं बनकर रहना चाहता। अगर हम कहते भी हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, देखे थे उस समय बाबा लोग कैसे आए हुए थे, जो वंदना जी ने ये बड़ाई किया, हमने कहा भाई वंदना जी सचमुच में वंदनीय है, एक महिला होके उतनी ऊंची सोच रखती है बड़ी बात है।
चाहे वो मनिका जी हों, चाहे वो कविता जी हों, चाहे कोई हो, ये मात्र शक्ति हमारी बातों को देखती हैं, हमारा उत्साह बढ़ा देती हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे संसार में जो कुछ हो रहा है, लंका ध्वस्त हुआ नारी के कारण, महाभारत की लड़ाई नारी के कारण, यहाँ भी हिंदुस्तान में जितने ही बाबा लोग पनप रहे हैं, हैं, फल फूल रहे हैं, वो महिलाओं के कारण। कहीं किसी बाबा के प्रवचन में आप देखिए भीड़ लग जाती है महिलाओं की, वहाँ पुरुष नहीं दिखाई पड़ते हैं, भजन लोग करते हैं। वही तो मैं रोज पूछता हूँ, रोज मैं बताता हूँ, इससे बड़ा कौन सा भजन है, इससे बढ़ के कौन सी हनुमान जी की सेवा है अंधो, सब सुने गए हैं। हाँ बाबा जी, हाँ ठीक आप कहते हो, अरे आप भी करो रोज, बाबा जी पैसा देना, बाबा जी पैसा देना। अरे कहा बाबा जी कोई बैंक थोड़े खोल रखे हैं, जिसको देखो पैसा देना हो पैसा हम जमा करेंगे, आप लोग भी करो, खुद करो, ना कर सको तब हमको भेजो, थोड़ा थोड़ा भेजो, एक बार भेजो कि हाँ बाबा हमने 500 भेज दिया है, या आप 6 महीने के लिए आपका काम हो गया, बस बात खत्म। नहीं, 100 रुपया जमा करेंगे, फिर घनघनाएंगे घंटी, वो एक हैं झारखंड के कौन राज करके, ओ बाबा जी मैंने पहले 100 रुपया डाला तो घंटी घनघना दिया, अब हम लैट्रिन में बैठे हैं, अब जल्दी जल्दी हंसी आती है हमारे अंदाज समाज, अब जल्दी जल्दी सोच रहे हैं बार घंटी पर घंटी। हेलो क्या, ओ बाबा जी आपने हमको पहचाना नहीं, कहा भैया सुबह 6 बजे अपनी पहचान बताओ, ठीक मैं अभी काम कर रहा हूँ। अरे भाई लैट्रिन जाना भी तो काम है हुआ है, ऐसा तो नहीं कि उसको हम 2 दिन के लिए मेडिकल लगा दें कि भैया पिछवाड़े को बंद करो, 2 दिन की छुट्टी करो, अब 2 दिन लैट्रिन नहीं जाना होगा। बहुत अंधा समाज ऐसा। तब उसके बाबा जी अकाउंट नंबर ये हुआ, कहा भैया क्या है, कौन अकाउंट नंबर पूछ रहा है यार। अरे बाबा जी ऐसा है वैसा है और हम परेशान हैं। अरे हम कहा तुम अपना काम बोलो, परेशान हो पैसा भेजोगे तभी तुम्हारी परेशानी दूर होगी, है भाव से परेशानी दूर होती है, भाव अंदर पैदा करो, अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो चाहे जितना अच्छा काम करो भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, समझ गए। देखो एक ही रंग के फूल लगभग अलग अलग जातियों में है, इसकी अलग जाति है, इसकी अलग जाति है, ये तो सीजनल है, ये परमानेंट है। चलिए साहब रखते हैं, फिर वहाँ बंदर के बीच पर पहुँचेंगे, फिर वहाँ बनाएंगे। हाँ ये पट्टी है, डाल दोगे बढ़िया खाद बन जाएगा, हम लौंडे खेला करते हैं सर। ठीक है रखे, बस कपड़े पहने चल लें, अभी मोटर चल रहा है, बंद कर दिया। अच्छा चलो ठीक, बस कपड़ा पहन के आ रहे हैं, ठीक। हाँ जब तक तुम भी थोड़ा दम मार ले। चले साहब रखें, कहाँ तक समझाएं, बुढ़े हो गए समझाते समझाते, कितने लोग आए, और जब सही लोग आते हैं तो लगता है कि वाह संसार में क्या ऐसे लोग हैं, हैं तमाम लोग अपने अपने विचार लिखते हैं। सिंधे जी आते हैं, अनुज जी आते हैं, कंजोड़िया जी आते हैं, और भी बहुत से लोग हैं, कौन अरविंद जी आते हैं, आपके वो अरे वो आते हैं भाई चौधरी, कोई नाम भूल जाते हैं, सब नेम तो याद रहता है। ठीक है साहब चलें बंद करें, क्योंकि हम भाषण देंगे तो भाषण से काम नहीं चलने वाला। हाँ एक चीज़ और देखो, देखो अंधो आंखें खोल, ये नहीं चलेगा। हाँ चला देखो, रिजेक्ट वाला फल मैं मंगाता हूँ, मैं यही खाता हूँ, बंदर यही रिजेक्ट वाला, रिजेक्ट वाला, ये देखो ये रिजेक्ट वाला, इसकी शक्ल देख रहे बिल्कुल बैठ गया, सड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत दागी है। ये देखो रिजेक्ट, ये रिजेक्ट वाला सेब देख रहे, ये तो कम दागी है इसके अंदर। ये देखो, ये देखो ये सूखे सूखे संतरे, ठीक। ये देखो, ये देखो वहाँ सुमन माँ कुत्तों को दूध माँ चपट चपट भर के पी रहे हैं। अरे गुरु जी सूखी रोटी नहीं खाते, जब खिलाइएगा तो खाएंगे, जब आप उनको ले लो, हमारा मतलब है कि अगर आप अपने कुत्तों को रसमलाई दे रही हैं तो आस पास जितने कुत्ते हैं सबको मिलना चाहिए, यही हम उनको समझाते हैं। क्या चलो जो कर रही हैं हरियाणा पंजाब दिल्ली के अंदर एक नायाब काम कर रही हैं, जितने बड़े लोग हैं साध्वी साधवा, जाओ उनसे सीखो जाके, समझ गए, उनसे सीखो जाके,
कि भजन क्या है, भाव क्या है। आते तो हैं बाबा लोग, कहें नहीं उनको हम नोट पकड़ा देते हैं, कहा उनको हम 150 दे नहीं सकते, लेकिन इतना क्रोध आता है उनके ऊपर कि हाल न पूछो, जब बस चले तो हम मार बैठे इनको। साधु बने घूम रहे हो, हैं जो काम हो रहा है कोई नहीं आप तक आया कि महाराज कल हम करेंगे, कल आप लेबर को न बुलाइएगा, हम कल आकर सेवा करेंगे। कोई आया हनुमान का भगत, कोई बाबा आया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। साधु महंत जी, संत जी, जी क्या, चलिए अभी जा रहे हैं घड़े का पानी पीने, देखो यही हमारा फ्रिज है, फ्रिज है क्या मैं, लेकिन हम उसका पानी नहीं पीते। ये हमारे पेड़ का पका ये शरीफा है, ये कितना बड़ा शरीफा है, देखो हमारे एक पेड़ का, आज के सीजन में थोड़ा ही होता, लेकिन एक पेड़ में कोई लगा था तो पक गया है, कछुआ जी रखे हैं। ठीक, मैं बंद करता हूँ, जल पी के तैयार होकर निकल रहा हूँ, बंदरों के बीच में। ठीक, जय श्री राम।